दोनों आप सबकी जानी पहचानी है, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे ऐसे खड़ी चौबारे में वो की कर रही है ये चंदा। अरे एक चौथ को पूजा जाता है ये चौथ को पूजा जाता है ये चंदा। और एक चौथ को ना मन को भाता है ये चौथ को पूजा जाता है वो चौथ है करवा चौथ जिसको माताएं बहने पूजती हैं जिस चौथ को। एक चौथ होती है प्रतिपक्ष की चौथ, उस चौथ में चंद्रमा का देखना अशुभ माना जाता है क्योंकि उस चौथ को भगवान कन्हैया ने चंदा को देख लिया था तो उन्हें मणि की चोरी लग गई थी इसीलिए। और एक चौथ को पूजा जाता है ये और एक चौथ को ना मन को भाता है ये और ये चंदा बताता है ये। अगर आज
चांद क्या कलीद है, क्या बात है। तो आशा की किरण जगाता है, कलीद है ये बताता है ये। आदरणीय दादाजी, ये चन्ना अरे एक पाख घटता, एक पखवारे में घटता है, एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, ये एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, पर पूर्णमा को गोल रहता। क्या बात है बेटे, क्या बात है। पूर्णमा को 16 गलाओं से भरपूर पूरा गोल दिखाई दे, ये है पूरा गोल दिखाई देता है। लेकिन आगे सुने, अरे एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, पर गोल पाख गोल रहता, पर अमावस को गोल रहता। दादाजी, चाहे अमावस हो चाहे पूर्णिमा हो, चंदा रहता गोल ही है। ये गोल और ये गोल अमावस को गोल रहता है और पूर्णिमा को गोल रहता है। सुनो सच्चे दरबार की के। इसी के साथ फिर से सुंदर सा कार्यक्रम लेकर आएंगे श्रद्धेय हमारे दादाजी, लेकिन उनके पहले लिया तो अपने आप बजने लगेगी। सिर्फ गीत संगीत जोरदार होना चाहिए, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर भाव प्रधान गीत और खंड गीत आपने प्रस्तुत किया। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं, घूट जबरन जहर का पिला दीजिए। भैया संजीत मिश्रा जी, पूरी जोरावरपुर की टीम, जिनके द्वारा ये विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन हो रहा है, और महाराज जी आपका भी ध्यान चाहता हूं। घूट जबरन जहर का पिला दीजिए, या चमेसा तवा पर तला दीजिए, जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे व्यक्ति को जिंदा जला दीजिए। बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए। लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां, उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके लिए है। मैं और इस जामो कल्याणपुर के एक सफल और सक्षम आयोजक प्रिय बड़े भ्राता महेश शर्मा जी के छोटे भैया श्री शेष नारायण शर्मा जी के द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरे। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। नाम बताओ। समिति के द्वारा 101 रुपए मुझे प्राप्त हुआ है, और सम्मानिया बुंदेलखंड से पधारी हुई पूनम आजाद जी,
आपके लिए 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती सभी दानदाताओं का भंडार भरती रहे। बिल्कुल भैया बोल रहे हैं, बस 30 सेकंड का समय आप हमें दीजिएगा। पत्नी भय पर जहान पति जी दिन भर मौज उड़ावे, पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मौज उड़ावे, लौटी सांझ जब घर का आवे तो खूब रुआब दिखावे, प्रधानी नो पति दियो माँ भिड़ गए ऐसे तिकड़ी, तो प्रधान पति से प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी कि फर्जी रुआब दिखाओ थो, पद हमार रुआब दिखाई हो तुम, तुम्हार बात को ना मनबे ना तो खैबे गम, और घर में बैठ के चूल्हा भूको बुला के जइबे हम। अगर समझ में आया तालियां बजा दिया करिए, बताइएगा भैया। परम आदरणीय सम्मानीय श्री अरविंद प्रताप सिंह जी भैया, बिंदु भैया, या कावा लिखा भैया बाबूपुर प्रधान बाबूपुर, परम आदरणीय सम्मानीय भैया श्री उमेश द्विवेदी जी, आप तीनों भाई की गरिमापूर्ण उपस्थिति हुई है। पूरी आयोजन समिति आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बोलना। कुछ दानदाताओं की सूची प्राप्त हुई है जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार से है, और इन्हीं दानदाता ऐसे खड़ी है चावारे में वो, ढोलक की चाटी देखे चाटी बेस दोनों, ऐसे खड़ी है चौबारे में वो, कुछ सोचती है मेरे बारे में वो, कि बातें करे हैं इशारे में वो, क्या सोचती है मेरे बारे में वो, कि उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदिया बीच में बहती है ये खिड़की है, ये खिड़की जो पूनम जी बहुत बढ़िया करती सामने दिया है, वो तो है ही। चंद्रमा हमारा नाम है शशिराज कमल, शशि माने चंद्रमा, अरे वाह वाह, पहला टुकड़ा आपने जोड़ा है। अगर चंद्रमा की बात कर रही है तो जवाब सुनिएगा, एक चौथ को पूजा जाता है वो, एक चौथ को मन न भाता है वो, आशा की किरणें जगाता है वो, कल ईद है ये बताता है वो, एक पाख घटता और एक पाख पड़ता, पर
रोता है पर अमावस को बोल रहता जी। जवाब में देखिए मैं भी चंद्रमा दे रहा हूं, लेकिन मेरा चंद्रमा आपकी चंद्रमा से अलग है। आप लोग सुनिएगा, एक चंद्रमा इन्होंने लिया, जब एक बखवारा घटता है फिर बढ़ता है, पूनम को गोल, पूर्णिमा को गोल और अमावस को गोल। जवाब कहां से दे रहा हूं, चंद्रमा कितने हैं, काली के संग शोभा पाता है वो, माता काली के मस्तक पर चंद्रमा, काली के संग शोभा पाता है वो, चंद्र घंटा के मन को भाता है वो। नवरात्रि में एक देवी का पूजन होता है, देवी चंद्र घंटा, उनके भी मस्तक पर चंद्रमा कि बाल चंद्र, बाल चंद्र यानी गणेश, कि भाल चंद्र के मन को लुभाता है, शिव भाल पर चमचमाता है। इनका चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, कि जो मैं बता रहा था कि ना तो ये घटता हमेशा एक जैसा, एक जैसा, कि ना तो ये घटता और ना ही ये बढ़ता, सदा एक सा अनमोल रहता। पूनम जी हेलो, ये चंद्रमा ना पूनम को बोल रहता है, ना अमावस को बोल ना ये पूर्णिमा को गोल रहता है हमेशा एक जैसा, यानी दूज का चांद ही भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं, और वही दूज का चांद माता काली के मस्तक पर, चंद्र घंटा के मस्तक पर, वो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं, ना कभी गोल होता है और ना कभी गोल होता है। ये बात और क्या, एक गाना जवाबी जवाब की हो, तो बढ़िया आपने सुना है, वाह लाजवाब कथानक के साथ में अच्छी धुन आपने गाई,